चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गुरुवार की पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया माई थी, उसके चार बेटा बहू थे। बुढ़िया हर गुरुवार का व्रत करती थी, पूरे नियम व कानून कायदों से व्रत का पालन करती थी। पीला खाती थी, पीला पहनती थी, किसी को भी बाल कटवाने नहीं देती थी, नाखून काटने नहीं देती थी, कपड़े व घर आंगन धोने नहीं देती थी, पुरुषों को दाढ़ी मूछ बनवाने नहीं देती थी। घर में सभी से व्रत करवाती थी, भजन कीर्तन में पूरा दिन बिताती थी। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उस बुढ़िया का भतीजा उसे लेने आया। भतीजा बोला, बुआ आपको माँ और पिताजी ने याद किया है, बहुत दिन हो गए हैं, आप घर चलो। बुढ़िया जाना नहीं चाहती थी तो उसके बेटा बहू बोले, माँ चली जाओ, आपको सब याद कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने अपने बहुओं को घर का सारा काम का समझाया, गुरुवार के दिन किन चीज़ों का परहेज करना है, और यह भी बताया कि बृहस्पति भगवान की पूजा रोज किस तरह करनी है, ये सारा कुछ बताने दिया। तब सारी बहुएं बोली, माता जी आप बेफिक्र होकर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। तो बुढ़िया अपने भतीजे के साथ पीहर आ गई। इधर बुढ़िया पीहर में आई तो सब कुछ खुश थे। जब गुरुवार आया तो बुढ़िया ने अपने भाई भतीजों से भाभियों से गुरुवार का व्रत करवाया, पूजा करवाई। जिस तरीके से और विधि से वो खुद पूजा और व्रत करती थी, ठीक वैसे ही करवाया। उधर दूसरी तरफ बुढ़िया के जाते ही बहुओं ने खूब मनमर्जी की। चारों बहुओं ने बुढ़िया की खूब बुराई की, कहने लगी, अरे बुढ़िया तो सारे दिन बृहस्पति भगवान करती रहती है, अब हम सब वो सब काम करेंगे जो बुढ़िया मना करती है। जैसे ही गुरुवार आया, सब सिर नहाई, घर आंगन धोया, बाल कटवाए। चारों बहुओं ने अपने अपने पति को नाई की दुकान पर भेज कर बाल कटवाने भेजा, दाढ़ी मूछ बनवाने भेजा। जब उनके पति बोले कि माँ तो आज के दिन यह सब नहीं करने देती है, तो चारे बहुएं बोली, अरे आप अभी भी अपनी माँ का ही दूध पियोगे क्या, और जोर जोर से हंसने लगी और मजाक उड़ाने लगी। उधर दूसरी तरफ बुढ़िया के पीहर में 7 गुरुवार होते होते ठाट बाट हो गए, अन्न धन के भंडार भर गए, भतीजों की नौकरियां लग गई, सब बहुत खुश थे। भाभियाँ बुढ़िया यानी अपनी ननद की खूब सेवा करती थी, क्योंकि बुढ़िया के आने के बाद उनके घर में खुशियों की बहार आ गई थी। दूसरी तरफ बुढ़िया के घर में 7 गुरुवार होते ही सब कुछ खत्म हो गया। चारों बेटों की नौकरियां जाती रही, अन्न खत्म हो गया, धन जो था वो चोर चुरा कर ले गए। चारों बहुएं अपने पति से बोली कि तुम्हारी माँ सारा धन लेकर चली गई। तब चारों के पति बोले, मेरी माँ भाग्यशाली थी, उसके भाग का हम खा रहे थे। मेरी माँ सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में गई है, तुम्हारी गलतियों की वजह से आज हम इस हालत में पहुँच गए हैं। तब तीनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि भाई तुम ननिहाल जाओ और माँ को लेकर आ जाओ। तब छोटा बेटा ननिहाल गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। ननिहाल में जब छोटे बेटे ने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा है, तो उनके सभी मामा बोले, यह सब कुछ तुम्हारी माँ यानी हमारी बहन की वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ ने हम सब से गुरुवार का व्रत करवाया, पूजा करवाया, ये सब उसका चमत्कार है। फिर बुढ़िया अपने भाइयों और भाभियों से बोली कि अब मुझे घर वापस जाना होगा। लेकिन भाई भाभी बुढ़िया को भेजना ही नहीं चाहते थे। सबने खूब सारा धन दौलत देकर बुढ़िया को विदा किया। जैसे ही बुढ़िया घर आई तो उसने अपने घर की दुर्दशा देखी, तो वो समझ गई कि यह सब क्यों हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। आते ही उसने गुरुवार का व्रत सबसे करवाया, पूजा करवाई, बृहस्पति भगवान से माफ़ी मांगी। सभी बहुएं अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। सास का दिल बहुत अच्छा और बहुत बड़ा था, उन्होंने अपनी सभी बहुओं को गले से लगा लिया, और 7 गुरुवार निकलते ही सब कुछ पहले जैसे हो गया। तो हे बृहस्पति भगवान, जैसे आप उस बुढ़िया के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, और जैसे उन बहुओं के ऊपर टूटे किसी के ऊपर भी ना टूटना, और कहने वाले सुनने वाले और हुकारा भरने वाले के सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, अन्न धन के भंडार भरना, और घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको गुरुवार की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो